हेलो सिविल इंजीनियर्स, क्या आप जानना चाहोगे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड एनालिसिस के लिए कौन से सॉफ्टवेयर स्किल्स इसेंशियल है? स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड एनालिसिस के जो प्रोफेशनल स्किल्स है जैसे कि स्टैड प्रो, स्टैड आरसीडीसी, ईटैप, सैप 2000, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है। एंड स्टिल फिर भी आप आज कन्फ्यूजन में हो कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सीखना चाहिए या कौन सा सॉफ्टवेयर चूज़ करना चाहिए। सो आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आज आपको ऐसे डिफरेंट फीचर्स बताऊंगी। ऑन बिहाफ ऑफ दैट फीचर आप चूज़ कर सकते हो बेस्ट स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। सो स्टैड प्रो का यूज़ हम स्टील डिज़ाइनिंग के लिए कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन एंड एनालिसिस करने के लिए स्टैड प्रो का यूज़ करते हैं। बेसिकली स्टील डिज़ाइनिंग के लिए स्टैड प्रो का यूज़ करते हैं, चाहे फिर वो ट्रांसमिशन टावर हो या ट्रसेस फ्रेम हो। जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स का डिज़ाइन है उसके अनुसार हम आइसोलेटेड फुटिंग हो या कंबाइन फुटिंग हो या पाइल फाउंडेशन हो या मैप फाउंडेशन हो, ऐसे अलग अलग हम फाउंडेशन का डिज़ाइन स्ट्रक्चरल के लिए कर सकते हैं। ई टाइप का यूज़ करके हम किसी भी डिज़ाइन का सुपर स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर सकते हैं। एंड आरसीडीसी की बात करें तो स्टैड प्रो के अंदर हम स्लैब डिज़ाइन नहीं कर सकते, तो स्टैड आरसीडीसी का यूज़ करके हम उसमें भी डेड लोड लेके उसकी फाइल इंपोर्ट करके, स्टैड प्रो की फाइल इंपोर्ट करके वहाँ पे भी आपका स्लैब डिज़ाइन कर सकते हो। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड इंटरेस्टिंग फीचर्स है, तो इसको याद करके इसके अनुसार आप चूज़ कर सकते हो कि बेस्ट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चरल के लिए कौन सा है एंड कौन सा आपको करना चाहिए। सो मोर इन्फॉर्मेशन आपको जानना है एंड स्टिल आप कन्फ्यूजन में हो, तो आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एंड राइट पाथ चूज़ करने के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे एंड आपकी करियर को एक नई दिशा दीजिए। थैंक यू।